गुड मॉर्निंग टू ऑल। के पी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन फिल इन द ब्लैंक्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे आज 103 से लेकर के 144 तक। तो प्रीवियस क्लास के अंदर 102 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज पढ़ रहे हैं 103 से लेकर के 144 क्वेश्चन। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है, वो वाला एग्ज़ाम पैटर्न है। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म को हुआ था, ठीक है ना, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कब हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म? 12 मई 1820 को। कहाँ हुआ था? इटली के अंदर। डेथ कहाँ हुई थी? 13 अगस्त 1910 को, ठीक है, लंदन में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बर्थ के साथ साथ में आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग की जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, ये इतना इसमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, केयरफुल हैंड वॉशिंग रिड्यूस, जैसे सावधानी पूर्वक हाथ धोते हैं तो क्या कम होता है, क्या कम होगा? इन्फेक्शन कम होगा, क्या कम होगा? इन्फेक्शन कम होगा, इन्फेक्शन। जैसे सिक्स हैंड वॉशिंग के जो स्टेप है, तो ऐसे केयरफुली हैंड वॉश करते हैं और पेशेंट को दवाई देने से पहले, पेशेंट के दवाई देने के बाद में, और कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले या बाद में हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा इज ए टाइप ऑफ, एक स्टिमुलेंट एनिमा किसका टाइप है, ठीक है ना, एक ये भी एक क्या है, एनिमा का टाइप्स है स्टिमुलेट एनिमा। मैंने बता दिया है कि स्टिमुलेट एनिमा क्या काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओटाइटिस मीडिया इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ किस है, मतलब ओटाइटिस मीडिया है वो कौन सा इन्फ्लामेशन है? ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया है वो मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन है। कौन से ईयर का है? मिडिल ईयर है, तो मिडिल ईयर है उसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर इन एन एडल्ट, एडल्ट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेशाब में रक्त आने को क्या कहते हैं? पेशाब के अंदर रक्त आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हेमेट यूरिया, ब्लड इन द यूरिन नॉन एज द हेमेट यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट, 1 ग्राम फैट से कितना किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है? तो वो होती है 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इसके साथ साथ में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट, तो इसके अंदर आपको 4, 4 और 9, ये आपको इस सीक्वेंस से आपको याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, दूसरा 1 ग्राम प्रोटीन है उससे 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, और 1 ग्राम फैट है 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होगी, और ये मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर सबसे मैक्सिमम कौन सी होगी? फैट वाला पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन इज, यूरिन की जो प्रकृति होती है, प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होगी? एसिडिक होती है, कैसी होती है? एसिडिक होती है, ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? सब लोगों को मालूम है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी, इसलिए इसको जिस दिन स्थापना हुई थी उससे लेकर के हमेशा वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टी एन
आई TNAI का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI। इम्पोर्टेंट है, इसको VVI में डाल देना, ठीक है। ये आपके एब्रिवेशन के रूप में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लैक ऑफ स्लीप इज कॉल्ड, नींद नहीं आती है तो उसको बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं इंसोम्निया, है ना। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना क्या कहलाता है? इंसोम्निया कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वापस क्वेश्चन आया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस को मनाया जाता है, सेलिब्रेट, हाँ फिर उस टाइम था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, कब हुआ था, और जन्म के दिन ही, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन से ही उनको नर्सेज डे के रूप में मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस सेलिब्रेट कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, हर साल की 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे मनाया जाता है, जो नर्सेज डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी विटामिन से रिलेटेड साइन सिम्टम है, कौन सी कमी से होता है, कितनी विटामिन की डेली रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ इन एडल्ट इज कितना है? नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm/hg होता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर 140/100 से ऊपर होता है तो हाइपरटेंशन कहलाता है, और 90/60 से नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, 120/80 के अंदर 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 है वो क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये दोनों प्रेशर होता है, इन दोनों के बीच के प्रेशर को बोलते हैं पल्स प्रेशर, आप जानते हैं इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। ये इतनी बातें इसमें याद रखनी है। भूख नहीं लगने को कहते हैं, भूख नहीं लगती है उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्पनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्पनिया बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जीभ के संक्रमण को कहते हैं, जो टंग का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस, क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ग्लोसाइटिस जो ध्यान रखना है, स्टोमेटाइटिस ध्यान रखना है, जिंजिवाइटिस ध्यान रखना है, गैस्ट्राइटिस ध्यान रखना है। मैंने आपको इसको एक सीक्वेंस में पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे स्टेलाइजेशन इज क्या है? सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टेलाइजेशन का क्या है? वो है ऑटोक्लेविंग, क्या है? ऑटोक्लेविंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू क्या कहलाता है? तो इसके अंदर ये जो साइनोसिस है वो यदि हाइपोक्सिया, यहाँ पे लिखना है आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू है तो हाइपोक्सिया आएगा, सही वर्ड क्या आएगा? ये हाइपोक्सिया आएगा। यदि हाइपोक्सिया नहीं है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर यदि हाइपोक्सिया वर्ड नहीं दिख रहा है तो आपको साइनोसिस करना है, ठीक है ना। साइनोसिस हाइपोक्सिया की वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू नॉन एज हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइनोसिस नहीं रहेगा, यहाँ पे आप उनको क्या लिखना है? हाइपोक्सिया लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए सिस्टम ऑफ फैमिली सेंटर केयर टू डाइंग क्लाइंट इज कॉल्ड हॉस्पिस, ठीक है ना। हॉस्पिस मतलब हॉस्पिटल, ठीक है ना। हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है, जो पीसफुल डाई मतलब डेथ होती है, एक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें टर्मिनल इल पेशेंट होते हैं, जो अंतिम स्टेज होते हैं, एंड ऑफ द लाइफ मतलब जीवन का अंतिम स्टेज होता है, और उसके अंदर जो उनका डेथ होता है तो उस क्लाइंट को क्या बोलते हैं? हॉस्पिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फ्री होना क्या कहलाता है? एसेप्सिस कहलाता है, क्या कहलाता है? एसेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इन जिगजैग मैनर टू नॉर्मल इज कॉल्ड डिक्लाइन। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो सडन टेम्परेचर फॉल हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जिगजैग मेथड से होता है। जिगजैग मेथड का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे,
तो यहाँ तो सडन फॉल हो रहा है, तो फॉल हो रहा है तो ऐसे होगा, कैसे होगा, फॉल होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये है, फिर बाद में ऐसे, फिर बाद में ऐसे ऐसे जाएगा, ये तो जिग जैग मेथड हो गया। ठीक है, तो ये एकदम सडन फॉल हो रहा है, धीरे धीरे फॉल हो रहा है, ठीक है ना, सडन मतलब फास्टली हो रहा है, बट क्या है कि इसमें जिग जैग मेथड दे दिया है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, थोड़ा धीरे होगा उसके बाद में रुकेगा, उसके बाद में होगा उसके बाद में ऊपर नीचे होता हुआ नीचे आएगा। तो ये है डेक्लाइन कंडीशन है, और डेक्लाइन के अंदर भी एक दो कंडीशन होती है, एक तो क्राइसिस होती है, एक होती है लाइसिस कंडीशन होती है। इन हाइपरपायरेक्सिया द बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन, हाइपरपायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया, ठीक है ना, तो उसका बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फेरेनहाइट से एबो होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कई बार लिखाया हुआ है, इसको एक बार देख लेना। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड नॉन एज साइनोसिस, देखो यहाँ पे टिश्यू में भी साइनोसिस था, इसके अंदर भी साइनोसिस था, बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा हाइपोएक्सेमिया, हाइपोएक्सेमिया, एम आई ए वर्ड आता है, उसका मतलब है ब्लड, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो हाइपोएक्सेमिया ये वर्ड आपका रहेगा, हाइपोएक्सेमिया, ये यहाँ पे साइनोसिस की जगह पे सही रहेगा, ये क्वेश्चन आंसर ये क्या कहे गलत है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड हाइपोएक्सेमिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात है पस इन द यूरिन कॉल्ड, यूरिन के अंदर पस है उसको बोलते हैं पाई यूरिया, क्या बोलते हैं, पाई यूरिया बोलते हैं। द टर्म डिस्फेजिया मीन्स, डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो डिस्फेजिया वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग, है ना, डिफिकल्टी टू स्वेलोविंग, स्वेलोविंग मतलब निकलने में दिक्कत हो रहा है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया, डिफिकल्टी टू स्वेलो। ठीक है, टू नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ए फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना होगा, इमोबिलाइज द टेक्स्ट, इमोबिलाइज द टेक्स्ट, तो ये है कि जो टेक्स्ट है उनको क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। नेक्स्ट है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ए टॉर्च इज यूज्ड, जो आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आता है, पेशेंट जिसे कोई अनकॉन्शियस आता है, सेमी कॉन्शियस आता है, तो उस कंडीशन में तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम से रिलेटेड उसके सिम्टम को देखे जाते हैं, तो डॉक्टर एक टॉर्च लेते हैं और उस टॉर्च की सहायता से आँखों के अंदर देखते हैं। ठीक है ना, आँखों के अंदर टॉर्च से ऐसे ऊपर नीचे घुमाते हैं, तो इससे क्या होगा कि क्या चेक करते हैं, चेक द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ताकि यदि प्यूपिल मूवमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, प्यूपिल की साइज बड़ी हुई है, प्यूपिल की साइज कम है, या प्यूपिल पिन पॉइंट है, तो इसको देख करके मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द एयर दैट आर एक्सपायर्ड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इसके अंदर भी ये जैसे आपने देखा होगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत है। द एयर दैट एक्सपायर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्सपायर होती है मतलब जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अपन अंदर लेते हैं और उसके बाद में वापस जो बाहर निकालते हैं, तो वो कितने परसेंट होनी चाहिए, तो वो होती है 4%, एक्सपायर्ड के अंदर होगी 4%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो देखिएगा गैस के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, तो एक तो इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब अंदर लेना, और दूसरा होता है एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो नाइट्रोजन है वो 79% अंदर लेते हैं और 79% बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना अंदर लेते हैं, 21% अंदर लेते हैं, और एक्सपायर कितना मतलब बाहर कितना निकालते हैं, वो निकालते हैं आपका 16%, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04% इंस्पायर करते हैं, मतलब अंदर की तरफ लेते हैं, और 4% क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं। ये चार्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पे लिख दो आप गैस,
गैस लिख दो, और इंस्पायर्ड मतलब अंदर लेने का, और एक्सपायर्ड मतलब बाहर निकालने का। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले गैस है नाइट्रोजन, तो 79% अंदर लेते हैं, 79% बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कितना होगा, 21% होगा, मतलब अंदर ऑक्सीजन इतना लेते हैं, उसके बाद में 16% बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5% ऑक्सीजन बाहर कम निकल रही है वो टिश्यू के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना, टिश्यू है ब्लड के साथ में मिल जाती है, और वह टिश्यू सेल को ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और CO2 कितना अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो कितनी अंदर जाती है इंस्पायर लेते हैं, 0.04% लेते हैं, बट बाहर कितनी निकलती है, 4% निकलती है, क्योंकि जैसे ही ब्लड लंग्स के पास में आएगा प्योरीफिकेशन के लिए तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सेट आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जरूरी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या रहेगा कि द एयर आर एक्सपायर्ड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है एक्सपायर्ड, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये एक्सपायर्ड, तो ये कितना परसेंट है, 4% है, और यहाँ पे इंस्पायर्ड आता मतलब अंदर कितना लेते हैं, तो आते 0.04%, ठीक है। उसी हिसाब से ऑक्सीजन का भी ध्यान रखना है, ऑक्सीजन इंस्पायर्ड मतलब अंदर कितने लेंगे, 21%, ऑक्सीजन एक्सपायर्ड कितना होगा, 16%, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन बोन ब्रेक इनटू मेनी पीसेज इज कॉल्ड, जैसे हड्डी है, हड्डी बहुत अलग अलग पीस के अंदर बहुत सारी क्रश हो जाती है, हड्डियाँ मैनी पीस के अंदर, मैनी पीस का मतलब होती है कि जैसे हड्डी टूटता है तो दो बोन का, एक बोन है उस बोन का क्या होता है, टूट जाता है, तो उसको फ्रैक्चर के बोलते हैं, बट यहाँ पे फ्रैक्चर तो हुआ है बट बोन के अंदर बहुत सारी बोन टूट गई है, जैसे एक ही बोन है और एक ही बोन है, ये बोन है उसके अंदर यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए, मैनी पीसेज मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो उसको बोलते हैं कॉम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोल देंगे कॉम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बेड क्रेडल इज यूज, सॉरी ये तो खाली जगह रिक्त स्थान है, इज यूजफुल ए टेकिंग ऑफ द वेट ऑफ ए पेशेंट टॉफ बेड क्लॉथ, जिसे पेशेंट सोया हुआ है और इस पेशेंट सोया हुआ है उसके ऊपर जो पेशेंट को क्लॉथ और कपड़े जो ढकते हैं उड़ाते हैं, तो उसको किससे ऊपर मतलब वजन उस पेशेंट के ऊपर ना आए, ठीक है ना, पेशेंट सोया हुआ है उसके ऊपर जो कपड़े अपने कंबल है ब्लैंकेट है वो उड़ाते हैं, तो उस पेशेंट के ऊपर वजन ना आए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं बेड क्रेडल यूज करते हैं, ठीक है ना, बेड क्रेडल यूज करते हैं। बेड क्रेडल क्या होता है कि ये ऐसा बेड क्रेडल होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है, और अब पेशेंट है उस पेशेंट के बेड क्रेडल यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट यहाँ पे सोया हुआ है, देखो ये पेशेंट सोया हुआ है और उसके ऊपर बेड क्रेडल लगा दिया, और उस क्रेडल के ऊपर क्या लगा दिया, कंबल लगा दिया, तो ताकि क्या है कि पेशेंट के ऊपर वजन न आए। तो ए बेड क्रेडल इज यूजफुल इज टेकिंग ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट टॉप बेड क्लॉथ, ठीक है ना, जो ऊपर के कपड़े बिछाते हैं तो उससे जो वजन पेशेंट के ऊपर ना आए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं बेड क्रेडल, ठीक है। आप विकिपीडिया में जाकर के इमेज भी देख सकते हैं कि बेड क्रेडल कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन ऑफ द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इज, ठीक है ना, तो यूरिन की जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए क्या यूज होता है, वाटर, ठीक है, यूरिन की नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वाटर होता है, ठीक है। द ऑक्सीजन सिलेंडर हैज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो बॉडी है वो कैसा होता है, बॉडी ब्लैक होती है और वाइट क्या होगा, टॉफ होगा, ठीक है। उसके बाद में द टेम्परेचर ऑफ टिंक्चर बेंजोइन इनहेलेशन इज 160 degrees Fahrenheit, इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं है, इसको अभी होल्ड रखिएगा, और जिस टाइम मेरे को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, होल्ड पे रखना है, ठीक है ना, इसके बारे में बाद में बताएंगे।
नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट। एडल्ट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको पहले भी आया हुआ है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये भी आपके 120/80 mmHg होता है। ठीक है, खून की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? ब्लड वाले पोर्शन में मैंने लिखा था 7.35 से लेकर के 7.45, या एक एग्जिट की बात करें तो 7.4। ये थी आपके रेंज है और ये है एग्जैक्ट 7.4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक ग्राम फैट में ऊर्जा होती है, एक ग्राम फैट में पहले भी आया था कि यहाँ पे 9.2 लिखा हुआ है, तो 9% होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पेशाब में रक्त आने को क्या कहते हैं? हेमेट्यूरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेमेट्यूरिया बोलेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने जो थ्योरी पढ़ाया था उस टाइम में भी ये सारे सारे वर्ड आपको देखने को मिले होंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।